नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब CBI में जाएंगे हरियाणा के ये दो सुपर कॉप्स IPS ऑफिसर जो क्रिमिनल को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। ये दो सुपर कॉप्स हैं 2004 बैच के IPS अधिकारी बी सतीश बालन और 2006 बैच के अश्विनी सैणवी। दोनों ही IPS ऑफिसर युवा हैं और हरियाणा के कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। खेती से जुड़ा कोई उद्योग शुरू करने का है विचार तो हिसार HAU का एग्री बिजनेस सेंटर यानी AB करेगा आपकी मदद। यह सेंटर कृषि क्षेत्र में नए आइडिया वाले उद्यमियों, स्टार्टअप्स और आविष्कारकों की मदद करके उनकी प्रतिभा को नया मुकाम देने की दिशा में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका, जिनमें सैकड़ों लोगों को मिल रहा है रोजगार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने संभाला कार्यभार। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद कहा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों की ओर ले जाना ही होगा मुख्य लक्ष्य। इसके लिए काम को दी जाएगी प्राथमिकता। अभी कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन, 15 दिन शेष। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह में सभी आवेदकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड करवा दिए जाएंगे मुहैया। इसके अलावा 31 जुलाई तक 1 लाख और आवेदक क्रेडिट कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन। आवेदन फार्म के सत्यापन के बाद 1 महीने के अंदर क्रेडिट कार्ड करवा दिए जाएंगे उपलब्ध। हरियाणा में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती हो गई है रद्द। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निगमों की डिमांड पर जुलाई 2016 को विज्ञापित जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने का लिया निर्णय, जिसको लेकर परीक्षा परिणाम और ज्वाइनिंग करने की इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं व युवतियों को लगा भारी झटका। लेकिन अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की हो चुकी है परीक्षा, उनकी भर्ती रद्द नहीं होगी। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए बनाया जाएगा एक सॉफ्टवेयर, जिससे पूर्व सैनिकों को उनसे संबंधित योजनाओं का आसानी से दिया जा सके लाभ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यभार भी है, ने कहा है कि 13 उप तहसीलों में भू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का कार्य अभी नहीं हुआ है पूरा। यह कार्य पूरा होने के साथ ही पूरे हरियाणा के भू रिकॉर्ड का कार्य डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और हरियाणा ऐसा करने वाला बन जाएगा देश का पहला राज्य। इसके बाद हरियाणा में कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील से अपनी करवा सकेगा रजिस्ट्री। फैसले पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मुहर लगाते हुए अब हरियाणा में थानों को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए हर माह मिलेगी राशि। इस प्रस्ताव के अनुसार आने वाले वक्त में शहरी थानों को हर माह 50,000, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले थानों व ट्रैफिक थानों को हर माह 25,000, महिला थानों के लिए हर माह 30,000 की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। हरियाणा के गांव में अगस्त माह में खोले जा सकते हैं स्कूल, केंद्र से ली जाएगी अनुमति। हालांकि अधिकारी अभी तक नहीं है इससे सहमत, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निर्देश दिए कि अगस्त माह से गांव के सरकारी स्कूलों को खोल दिया जाए। इसके बाद विभागीय स्तर पर शुरू हो गया है मंथन कि स्कूलों को खोलने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाए ध्यान। गांव में स्कूलों को सुबह शाम खोलने की जा रही है तैयारी। इसके लिए केंद्र से अनुमति मिल गई तो गांव में स्कूल खोल दिए जाएंगे। मौसम अपडेट। प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ, अंबाला समेत कई जिलों में बारिश। 19-20 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 3 दिन में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना। राजस्थान का सियासी संग्राम, हाईकोर्ट में पायलट समेत 19 MLA की याचिका पर सुनवाई आज। विधायकों को स्पीकर के नोटिस पर दोपहर 1 बजे तक देना है जवाब। सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर विधायकों को फोन कर गहलोत का साथ देने का लगाया आरोप। अब 10 लाख से ज्यादा केस, एक हफ्ते में 2,10,000 संक्रमित मिले, लेकिन एक्टिव केस सिर्फ 66,000 बढ़े क्योंकि 1,40,000 ठीक भी हुए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 35,468 केस आए सामने, तो वहीं 22,867 ठीक भी हुए। 680 की हुई मौत, सबसे ज्यादा 8,641 केस महाराष्ट्र में आए। इसके बाद 4,549 मरीज मिले तमिलनाडु में। पाकिस्तान को एक और झटका, UN ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के सरगना नूल वली महसूद को घोषित किया ग्लोबल टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज का करीबी है यह आतंकी। महसूद 2018 में फजलुल्लाह के मारे जाने के बाद पाकिस्तान का सरगना घोषित किया गया था। इस आतंकी के पाकिस्तानी फौज के साथ बताए जाते रहे हैं गहरे रिश्ते, यह अफगानिस्तान में हमले कराता रहा है। दुनिया भर से COVID-19 की आई रिपोर्ट। अमेरिका में एक दिन में 73,000 नए मामले,
तो वहीं इजराइल में नई पाबंदियों का हुआ ऐलान। दुनिया में 1,39,00,000 लोग हुए संक्रमित। दुनिया भर में अब तक 5,89,000 लोगों की गई जान, तो वहीं 82,13,000 हुए ठीक। रोजगार का मौका, सीएससी केंद्रों पर 20,00,000 डिजिटल कैडेट्स की होगी भर्ती। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में होगी नियुक्ति। एक सीएससी केंद्र पर 5 डिजिटल कैडेट की जाएगी नियुक्ति। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू, इसी साल की जाएंगी सभी नियुक्तियां। फ्यूल पंप में खराबी के कारण मारुति सुजुकी ने रिकॉल की ब्लेनो व वैगनार की 1,34,000 यूनिट्स फ्री में पार्ट बदलेगी कंपनी। रिकॉल के दौरान मारुति सुजुकी वैगनार की 56,663 यूनिट और ब्लेनो की 78,222 यूनिट का निरीक्षण करेगी। संदिग्ध वाहनों के ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर IMP कस्टमर इन्फो सेक्शन पर भी जाकर देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट। देश में 5G लॉन्च करने की तैयारी में जियो। जियो टीवी प्लस और जियो ग्लास के साथ मिली कई नई चीजें। जियो टीवी प्लस में दुनिया के 12 सबसे अच्छे OTT कंपनियों के कंटेंट होंगे उपलब्ध। जियो ग्लास से 3D और 2D दोनों ही फॉर्मेट में की जा सकेगी कॉलिंग। राजस्थान की सियासी घमासान के बीच आ रही है खबर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ FIR दर्ज। कांग्रेस ने इस ऑडियो टेप में सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम लिया है। SOG सबसे पहले ऑडियो टेप की प्रमाणिकता की करेगा जांच। बता दें कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के विधायकों भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कुछ ऑडियो टेप आए हैं सामने जिनमें भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज है।